अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरा सेकंड व्लॉग है जहां मैं अपने ड्रामा स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं यहां लंदन में। फर्स्ट वीडियो में मैंने अपनी बात की थी जो मेरा कोर्स फ्रेमवर्क है उसके बारे में कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या जो मॉड्यूल्स में ऑप्शंस थी और क्या क्या ऑप्शंस मैंने ली। सो शेक्सपियर मॉड्यूल जो था वो मैंने बताया था कि वो मैंडेटरी है। उसके बाद जो तीन मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स में आपके पास ऑप्शन होती है। सो शेक्सपियर मॉड्यूल जो है वो मैंडेटरी है एंड दे आर नो सरप्राइजेस, क्योंकि जब आप इंग्लैंड में बैठे हो, थिएटर की बात हो, ड्रामा स्कूल की बात हो, ड्रामा की बात हो और शेक्सपियर की बात ना हो तो दिस इज़ समथिंग आई मीन नॉट जस्टिफाइड। सो मैं भी बिल्कुल यही करूँगा। मैं शेक्सपियर की बात करूँगा पहले क्योंकि शेक्सपियर मॉड्यूल की बात हो रही है। सो शेक्सपियर जो है वो आपको पता है कि ही इज़ एन इंग्लिश प्ले राइट पोइट एंड ही हिमसेल्फ वॉज एन एक्टर एज वेल। वो 26 अप्रैल 1564 में पैदा हुए थे इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ये इंग्लिश इंग्लैंड का एक टाउन है। इनके जो फादर हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और इनकी जो मदर हैं वो एक लैंडलॉर्ड की बेटी थी। सो इनके फादर जो है वो बेसिकली ही यूज़ टू मेक ग्लव्स, ये इनका बिजनेस जो था। एंड सो शेक्सपियर जो हैं वो ही इज़ रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आपको पता लगता है जब आप इनके बारे में रिसर्च करते हैं या गूगल करते हैं इनको, या इनके बारे में पढ़ते हैं या इनके प्लेस पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर का जो टाइटल है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सदियों में आते हैं और जिन पर लोग जो है वो उनके जाने के बाद भी सदियों तक जो है रिसर्च करते हैं, PhD करते हैं और उनके बारे में उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं। सो आई थिंक ये जो उनको टाइटल दिया गया है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है और उनके काम से पता लगता है, उनकी राइटिंग से पता चलता है और फिर उनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। सो इनके क्रेडिट पे 38 प्लेज़ हैं, 164 सोनेट्स हैं और कुछ ऑलमोस्ट 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स हैं और कुछ वर्सेज इन्होंने लिखी हैं जिनकी ऑथरशिप जो है वो अनसर्टन है। इनके जो प्लेज हैं वो दुनिया की हर मेजर एग्जिस्टिंग जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट किए गए हैं और परफॉर्म भी किए गए हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे। इवन पाकिस्तान की बात करें तो जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पे शेक्सपियर को पढ़ाया जाता है। जो उनका मोस्ट फेमस वर्क है, उनकी जो राइटिंग है वो इन्होंने ही प्रोसीडेड मोस्ट ऑफ लाइक इन बिटवीन 1589 और 1613 के दरमियान इन्होंने अपना जो इनका मोस्ट फेमस काम है वो इन्होंने लिखा है, जिसमें मेनली इनकी जो है स्टार्ट जो इन्होंने किया था वो इनके जो अर्ली प्लेस थे वो कॉमेडीज़ थी और हिस्टोरिकल प्लेस थे और वो प्लेस जो है वो अभी तक रिगार्ड किए जाते हैं एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क दैट ही प्रोड्यूस्ड इन दिस जॉनर्स। सो ये तो था शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन छोटा सा, लेकिन मुझे लगता है कि जो शेक्सपियर को जो चीज़ें जो मुझे लगता है उनको ग्रेट बनाती हैं वो उनकी टाइमलेसनेस जो है ना, उनकी टाइमलीनेस में है। मतलब ये कि मेरे टीचर, फिल्म के टीचर जो हैं सर उमर अमीन, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि 2 तरीके के काम होते हैं, या तो वो काम होता है जो करंट सिस्टम में या टाइम में इन हो, या फिर ऐसा कोई काम होता है जो फ्यूचरिस्टिक हो। सो आई थिंक शेक्सपियर जो है वो फ्यूचरिस्टिक थे, इसीलिए आई थिंक उनकी जो टाइमलेसनेस है कि जो अभी तक लोग उनको रिगार्ड करते हैं एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, सो वो उनकी टाइमलीनेस में थी। एंड देन आई थिंक शेक्सपियर इम्पॉर्टेंट और यूनिक इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो
ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग थी, दैट वाज यू नो ही बेसिकली अंडरस्टूड ह्यूमन नेचर वे बिफोर साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट. सो वो समझते थे कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है, लोगों की पर्सनैलिटी को समझते थे, लोगों को समझते थे. इसलिए उन्होंने जो करेक्टर्स भी डिज़ाइन किए हैं वो यू नो टाइमलेस करेक्टर्स हैं. और एक और बात है जो लोग करते हैं शेक्सपियर, शेक्सपियर वो पोइट हैं जिन्होंने उस टाइम पे औरत के स्टेटस को अपलिफ्ट करने में बात की अपने प्लेस के थ्रू भी और वैसे भी. एंड ही वाज द वन जिसने औरत के यू नो ब्यूटी ऑफ ब्रेन के बारे में बात की, बल्कि ना कि उसकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में. सो आई थिंक व्हेन आई वाज टोल्ड दिस, मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे थे जब, तो उन्होंने ये बात की, तो आई काइंड ऑफ फाउंड दिस फैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट फॉर नाउ. नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मैंने कैसे किया और क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की, एंड हाउ आई डायरेक्टेड द सीन फॉर माई फाइनल प्रोजेक्ट फॉर शेक्सपियर मॉड्यूल. अंटिल देन, बाय.